कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतकलेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। प्यारे मित्रों, भक्तों, भगवान की दिव्य आनंददायक मोक्षदायिनी कथा के माध्यम से हम सभी लोग पुरुषोत्तम भगवान की दिव्य कथा का रसास्वादन कर रहे हैं और रसास्वादन करते करते समय अतिशीघ्र नज़दीक भी आ रहा है और कथा पूर्णता की ओर भी है। तो इस कथा में अभी आप लोगों ने श्रवण किया था कि किस तरह से उद्यापन के विधान को बताया गया है। उद्यापन के पश्चात व्रत नियम का त्याग करते हैं तो वाल्मीकि ऋषि कहने लगे कि हे राजन, संपूर्ण पापों का नाश तथा भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए विधिपूर्वक ग्रहण किए हुए नियमों को, त्याग को जो विधि करते हैं, हे राजन, अयाचित व्रत अर्थात रात्रि के समय भोजन करने वाला मनुष्य ब्राह्मणों को भोजन करा के स्वर्ण का दान देवे, सोने का दान देना चाहिए ब्राह्मणों को भोजन करा करके। जो मनुष्य अमावस्या को भोजन करता है, अब इसमें दिन बताए गए हैं कि किस दिन आपको भोजन नहीं करना चाहिए और किस दिन आपको, अगर भोजन कर लेते हैं रात्रि के समय कर लेते हैं या इस तिथि में कर लेते हैं तो ये दान आपको करना चाहिए, जिससे उस जो आपने भोजन कर लिया है तो उससे आपको कष्ट की प्राप्ति न हो, आपके जो पाप हैं वो दूर हो जाए, इसलिए ऐसे उपायों को भी बताया गया है तो उनको भी हम श्रवण कराते हैं आपको। तो सबसे पहले जो मनुष्य अमावस्या को भोजन करता है वह दक्षिणा सहित गाय का दान, और गाय भी कैसी, जो गाय सवश हो अर्थात उसके नीचे बछड़ा हो। गाय का दान कौन सी गाय का दान करना चाहिए, बोले गऊ का दान, जिस गाय के नीचे बछड़ा हो ऐसी गऊ का दान करना चाहिए। और जो आंवला का स्नान करता है वह दूध और दही ना पीवे, फलों के नियम से फलों का दान करे और तेल के स्थान में घी का दान करे। ये तेल देना है तो तेल नहीं दीजिएगा ब्राह्मण को, ब्राह्मण को घी दीजिएगा, और घी स्थान पर चून देवे अर्थात धान्यों के नियम में गेहूं और चावल देवे, और पृथ्वी पर शयन करने वाला सुंदर तकिया वह भी चादर के साथ में, सैया के साथ में ब्राह्मण को दान देना चाहिए। पत्तल तथा भोजन करने वाले मनुष्य को घी और शक्कर का भोजन करावे। नख केशों को धारण करने वाला बुद्धिमान मनुष्य दर्पण का दान करे अर्थात शीशे का दान करना चाहिए। नियम को त्यागने पर अनेक प्रकार के रसों को दे, अगर पुरुषोत्तम मास के जो नियम हैं जो बताए गए हैं कथा के माध्यम से, अगर उन नियमों को आप नहीं कर सकते हैं तो अनेक प्रकार के जो रस होते हैं उन रसों का आपको दान करना चाहिए। दीप दान करता हो तो पात्र सहित दीपक का दान देना चाहिए। अगर आप दीप दान इस पुरुषोत्तम मास में करते हैं तो दीपक के साथ में, मतलब दीपक लीजिए, अब आपकी जो सामर्थ्य हो चांदी का दीपक ले सकते हैं, सोने का दीपक ले सकते हैं, तांबे का दीपक ले सकते हैं, पीतल का दीपक ले सकते हैं, मिट्टी का दीपक ले सकते हैं, जैसी आपकी सामर्थ्य हो उस अनुसार दीपक का आपको दान करना चाहिए। जो मनुष्य अधिक मास में इस तरह से भक्ति और श्रद्धा के साथ भगवान कृष्ण का, भगवती अंबिका का, भगवान राधा कृष्ण का, भगवान विष्णु और लक्ष्मी का पूजन करते हैं, ध्यान करते हैं, कथा सुनते हैं, आनंद से पुरुषोत्तम मास के पवित्र व्रतों को करते हैं, उनके जीवन में कभी भी कोई भी गलत विकार उत्पन्न नहीं होते। भगवान उनके समस्त प्रकार की जीवन में आ रही विपत्तियों को दूर करते हैं, जीवन में मंगल ही मंगल, आनंद ही आनंद करते हैं। मित्रों,
भक्तों पुनः मिलते हैं आगे की दिव्य कथा में। तब तक के लिए हमको दीजिए इजाज़त। जय माता दी, जय माता दी।